ग्लेन अप्लायंसेस कीर्तिनगर। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हमारे ग्लेन की चिमनी 6079 के बारे में। सबसे पहले इस चिमनी का आप डिजाइन देख सकते हैं, ये इंक्लाइन डिजाइन की चिमनी है जिसके अंदर आपको पुश बटन और टच दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अगर चिमनी का आउटर एरिया देखेंगे, ये पूरा का पूरा ग्लास का है। सेम उसी तरीके से ये जो फ्रंट पैनल है चिमनी का, ये भी ग्लास का आता है। चिमनी के सेक्शन के लिए ये चारों तरफ से चिमनी ओपन है, ये चारों तरफ से चिमनी सेक्शन कर सकती है, इसको हम 3D सेक्शन भी बोलते हैं। उसी के ऑल्टरनेट अगर आप थोड़ा सा चिमनी में नीचे की साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे सेम दो LED लाइट्स मिल जाती हैं, जिसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये 1.5 वॉट की दो LED लाइट्स आपको चिमनी के अंदर मिलती हैं। सारी चिमनी के अंदर आपको ऑलमोस्ट ये सेम लाइट्स मिलती हैं। अब हम इस चिमनी को ऑपरेट कैसे करते हैं? सबसे पहले लाइट्स हमारी ऑप्शनल होती हैं, अगर हमें लाइट्स की जरूरत है तो हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगेन उसके बाद में हम चिमनी को ऑन करते हैं, देन हमारी चिमनी स्पीड 1 पर ऑन होती है। उसके बाद में हम इसको स्पीड 2 पे ले जा सकते हैं, देन हम इसको स्पीड 3 पे ले जा सकते हैं। उसी तरीके से सीक्वेंस वाइज हम इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। तो अब जब हम इसकी स्पीड करेंगे स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, उसी तरीके से हम इसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं, स्पीड 3, स्पीड 2, स्पीड 1। अगर आप किचन में कुछ हैवी कुकिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पराठे बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, या कुछ भी आप अदर कुकिंग कर रहे हैं जिसके अंदर धुआं आपका ज्यादा होता है, तब आप इस चिमनी को खोल भी सकते हैं। चिमनी इस तरीके से खुल जाती है और ये इस तरीके से भी सक्शन करती है। जैसे आप देखेंगे चिमनी का सक्शन एरिया अब बढ़ गया उसके कंपैरिजन में। अंदर की साइड आपने देखा होगा चिमनी के, आपको एक बैफल फिल्टर मिलता है। मैं आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आपने देखा होगा इसके अंदर ये बैफल फिल्टर मिलता है, जिसको निकालना काफी ज्यादा आसान है। जस्ट आपने इसको पुल करा और ये इस तरीके से बाहर आ जाता है। इसको क्लीन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, स्टेनलेस स्टील का बैफल फिल्टर है। जस्ट आप इसको किसी भी रिंस वाटर में, गर्म पानी में डालते हैं और नॉर्मल किसी भी यूटेंसिल्स की तरह आप इसको वॉश करके लगा सकते हैं। इसको आप वापस लगा भी सकते हैं। मैं आपको एक बार चिमनी का अंदर दिखा देता हूँ। ये आपको चिमनी की मोटर मिलती है, जो मेड इन इटली की चिमनी की मोटर होती है। इसकी जो चिमनी का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, ये जाता है आपका चिमनी मैक्सिमम वोल्टेज का, अगर मैं इसकी बात करूं तो 159 वॉट का जाता है। जो इसका मोटर कंजप्शन है वो 155 वॉट के अंदर है। 7 ईयर्स की वारंटी मिलती है आपको चिमनी के ऊपर में, जो कंप्लीट मोटर है उसके ऊपर 7 ईयर्स की वारंटी है। ऑल ओवर इसके ऊपर चिमनी पे 1 साल की वारंटी मिलती है। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी इंक्वायरी होती है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम अमन है, थैंक यू सो मच।